और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन अब शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी अब दागे हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त ये बताया जा रहा था जब किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, और वही उसी कोशिश को रोकने के लिए जो पुलिस की टीम है वो इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर चुकी है। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें कि कैसे शंभू बॉर्डर पर इस वक्त तफरा तफरी मची हुई है। और कहा जा रहा है, मनोज हमारे सहयोगी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, वो आपको वहां की जानकारी देंगे क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से जो टीयर गैस है वो दागे गए, यानी कि आंसू गैस के गोले दागे गए। परिस्थितियां ठीक कुछ दिन पहले जो बनी हुई थी वैसी ही दिख रही है, क्योंकि बातचीत का जब दौर चला तो सब कुछ इस बॉर्डर पर शांत दिख रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से जब किसान दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं, जब तैयारी के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में जब किसान इकट्ठा हो चुके हैं, तो वहां पर आप तस्वीरें देखिए कि क्या है। देखिए बिल्कुल जैसे ही 11 बजे यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है, शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पंजाब के किसान जो यहाँ पर पिछले 13 तारीख से यहाँ पर डटे हुए थे, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज जैसे ही 11 बजेंगे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही जो पुलिस का एक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दिया है, और कुछ आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर फायर किए गए हैं, गोले दागे गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर आकर डटे हैं और वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं।